नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज युग और मैं हूं चंद्रशेखर त्रिशूल। अब अगर आपको घर में चलाना है पंखा या एसी, तो पहले जमा कराना होगा पैसा, क्योंकि फिर मिलेगी आपको बिजली। अब लोगों को घर में पंखा या फिर एसी को, इलेक्ट्रॉनिक सामान को चलाने के लिए पहले भुगतान करना होगा, उसके बाद ही घर में बिजली आएगी। केंद्र सरकार जल्द ही बिजली प्रयोग करने के बाद बिल भुगतान की प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने जा रही है। सरकार एक योजना पर काम कर रही है, जिससे लोगों को बिजली का प्रयोग करने से पहले ही उसका भुगतान करना होगा। इसके लिए देश भर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेंगे। राज्यों को अपनी जेब से भुगतान करना होगा। बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा कि भारत एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जहां बिजली उपभोक्ता को पहले भुगतान करना होगा और फिर उसे बिजली मिलेगी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य समाज के कुछ वर्गों को निःशुल्क बिजली दे सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए अपने बजट से भुगतान करना होगा। मुफ्त में नहीं बनती है बिजली। सिंह ने यह भी कहा कि हम भुगतान और आपूर्ति के बीच एक संपर्क बना रहे हैं। आपको पहले भुगतान करना होगा और फिर आपको बिजली मिलेगी। निशुल्क बिजली जैसी कोई चीज है ही नहीं है। आप बिना निवेश के बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बनाने में लागत लगती है और किसी को इसके लिए भुगतान करना पड़ता है। अगर राज्य निःशुल्क बिजली देना चाहते हैं तो दें, लेकिन उनको इसके लिए अपने बजट से भुगतान करना होगा और यही हम करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2022 का लक्ष्य रखा है, जिसके बाद लोगों को बिना मीटर को रिचार्ज कराए घर में बिजली की सप्लाई नहीं मिलेगी। उपभोक्ताओं को मोबाइल फोन की तरह बिजली को रिचार्ज कराना होगा। इसके पूरा होते ही उपभोक्ताओं के घर में बिजली का बिल पहुंचने के दिन समाप्त हो जाएंगे। उत्पादन बढ़ाने का सुझाव। बिजली मंत्री आर के सिंह ने मीटर निर्माताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया है। उन्होंने निर्माताओं से कहा है कि आने वाले दिनों में इसकी बड़ी मांग होगी और उम्मीद है कि 3 साल में सभी मीटर स्मार्ट प्रीपेड होंगे। प्रीपेड मीटर के आखिर क्या क्या है फायदे? उपभोक्ताओं को बिल भेजे जाने की कवायद समाप्त होगी। बिजली कंपनियों पर बकाया का भार नहीं पड़ेगा और अधिकारियों से उन्होंने यह भी कहा कि स्मार्ट मीटर के तमाम फायदों को ध्यान में रखते हुए इसके निर्माण को अनिवार्य करने पर विचार करें। इससे बिजली क्षेत्र में क्रांति आएगी, नुकसान कम होंगे और बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति सुधरेगी। अब आइए डालते हैं उस खर्च पर नजर कि आखिर उपभोक्ताओं को बाजार में कितना खर्च करना होगा बिजली के ऊपर। दरअसल बाजार में फिलहाल सबसे सस्ता सिंगल फेज प्रीपेड बिजली मीटर अभी 8,000 रुपये में मिल रहा है। हालांकि अच्छी गुणवत्ता वाला मीटर खरीदने के लिए लोगों को 25,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। घरों में लगेंगे प्रीपेड मीटर। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि 2022 तक पूरे देश में 24 घंटे 7 दिन सभी को निर्बाध तरीके से बिजली मिलने के उपाय किए जा रहे हैं और यह करना भी जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक घर में बिजली को केवल प्रीपेड मीटर के जरिए ही सप्लाई किया जाएगा। बिना प्रीपेड मीटर के बिजली जलाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। मोबाइल फोन की मदद से होगा रिचार्ज। लोग अपने मोबाइल फोन के जरिए अपने बिजली मीटर को रिचार्ज कर सकेंगे। आर के सिंह ने यह भी कहा कि अब पावर कंपनी के कर्मचारी बिलिंग और कलेक्शन के काम में नहीं लगेंगे और ना ही इन कर्मचारियों को मीटर की रीडिंग के लिए लगाया जाएगा। अब ऐसे में लाइन लॉस को कम करने की सबसे बड़ी कवायद भी है। मीटिंग में लाइन लॉस को कम करने पर भी सहमति बनी और इसको जनवरी तक 15% से नीचे लाया जाएगा। अभी देश भर में लाइन लॉस कई राज्यों में 50% से अधिक है। दरअसल लाइन लॉस होता क्या है? जब लोग कांटे डालकर या फिर कम लोड लेकर चोरी कर बिजली को जलाते हैं, इसे लाइन लॉस कहा जाता है, यानी छीजत कहा जाता है।
प्रीपेड मीटर लग जाने के बाद लाइन लॉस यानी छीजत के कम होने की उम्मीद है, जिसके चलते आने वाले वक्त में बिजली की दरें भी कम हो सकती हैं। बहरहाल केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश में 2022 के लक्ष्य को लेकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर की एक बड़ी मुहिम खड़ी करना चाहती है। बिजली की छीजत तो कम होगी, तमाम बातें तो होंगी, लेकिन अब उपभोक्ता की जेब पर पूर्व आर्थिक भार भी पड़ेगा, यानी बिजली जलाने से पहले उसको पैसा देना होगा। किसान को खेत में पानी देने के संग तमाम चीज़ें ये मुहैया करानी होंगी कि पहले बिजली का पैसा चुकाए, उसके बाद में फसल हो या ना हो, तमाम दिक्कतें तमाम दुश्वारियाँ भी होंगी। उद्योगपतियों को फैक्ट्री के संग तमाम औद्योगिक यूनिट के संग बिजली के खर्चे को भी उसमें शुमार करना होगा। अब देखना ये भी है कि ये कितना प्रासंगिक होता है, लेकिन बिजली छीजत को रोकने की कवायद में ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम भी हो सकता है और उपभोक्ताओं की जेब पर सबसे बड़ा आर्थिक भार भी हो सकता है, जिसे सहने की क्षमता अब उन्हें कैसे मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़।